अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असनैन अब्बास AIOU एडवर्टाइजमेंट की जानिब से। तो डेयर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कुछ अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो आपने आज की वीडियो को मुकम्मल देखना है। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियोज़ मिलती रहें। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो डेयर स्टूडेंट्स, पहली अपडेट ये है कि जिन क्लासेस के अंदर वर्कशॉप में क्विज होते हैं तो उनके नंबर आपके LMS अकाउंट पर शो हो जाएंगे। तो पहले यूनिवर्सिटी का ये रूल था कि आपके क्विज़ के नंबर सिर्फ फाइनल रिजल्ट में ऐड होते थे और LMS पर शो नहीं किए जाते थे, लेकिन इस सेमेस्टर से यूनिवर्सिटी ने आपके क्विज़ के नंबर आपके LMS अकाउंट पर शो करना शुरू कर दिए हैं। तो जैसे आप अपने क्विज़ हल कर लेंगे तो आपके सामने उन क्विज़ का मुकम्मल रिजल्ट शो हो जाएगा कि आपने 20 क्विज़ में से कितने क्विज़ के आंसर दुरुस्त दिए हैं और कितने आंसर आपने गलत दिए हैं और कितने नंबर आपने हासिल किए हैं। तो इस तरह मुकम्मल रिजल्ट आपका LMS अकाउंट पर शो हो जाएगा, तो आप उसी वक्त उस रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो अब दूसरा सवाल यह है कि अगर आप क्विज में से कोई भी नंबर हासिल नहीं करते, मतलब यह है कि आप 20 क्विज में से किसी क्विज का आंसर भी दुरुस्त नहीं देते, तमाम के तमाम क्विज के आंसर आप गलत दे देते हैं, तो क्या इसकी वजह से आपका सब्जेक्ट फेल हो जाएगा या नहीं? तो डेयर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। आप क्विज में से जितने नंबर हासिल करेंगे वो आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड हो जाएंगे। तो अगर आप फॉर एग्जांपल सारे क्विज ही गलत दे देते हैं तो इसकी वजह से आपका जो सब्जेक्ट है वो फेल नहीं होगा। तो अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि क्या इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होगी या नहीं। तो डेयर स्टूडेंट्स, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो अब लास्ट पर यह सवाल है कि क्या हम दो सेमेस्टर का एडमिशन इकट्ठा करवा सकते हैं या नहीं। तो डेयर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है, आप दो सेमेस्टर का इकट्ठा एडमिशन नहीं करवा सकते। एक सेमेस्टर के अंदर सिर्फ एक का ही आप एडमिशन करवा सकते हैं, दो सेमेस्टर का इकट्ठा एडमिशन नहीं करवा सकते। उम्मीद है आपको ये अपडेट्स अच्छी लगी होंगी। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।